हेलो फ्रेंड्स गुड इवन ऑल ऑफ यू सो यूर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जे मे इन टू थाउजेंड नाइन पूछ गया और ये प्रॉब्लम जो है वो है थर्मोडाइनमिक्स से सो so यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दे के रखा है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे के रखा है डायग्राम दे के रखा है एंड uh, यहाँ पर दो प्रोसेस दिखाए गए हैं प्रोसेस ए दिखा रखा है और प्रोसेस बी दिखा के रखा है एंड इफ डेल्टा क्यू ए एंड डेल्टा क्यू बी आर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन टू केसेस एंड डेल्टा यू ए एंड डेल्टा यू बी आर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जीज रिस्पेक्टिवली देन तो बेसिकली दो प्रोसेस किए गए हैं और ए प्रोसेस में जो हीट एबजॉर्ब है बाय द सिस्टम वो है डेल्टा क्यू ए और प्रोसेस बी में जो हीट एब्जॉर्ब है वो है डेल्टा क्यू बी और जो इंटरन एनर्जी चेंजेज हैं उससे रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा यू ए एंड डेल्टा यू बी से और हमें यहाँ पर सही ऑप्शन को ढूंढना है तो स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शन पर विचार करें ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो प्रोसेस दोनों हुए हैं ए और बी दोनों का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है एंड uh, इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है अब दोनों प्रोसेसेस का जो हमारे पास uh, इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम है इट मींस दैट दोनों प्रोसेसेस के दौरान जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ होगा वो सेम हुआ होगा लाइक like, अगर डेल्टा यू ए इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस ए एंड डेल्टा यू बी इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस बी तो ये दोनों आपस में सेम रहेंगे बिकॉज इनका इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम है इट मीन्स दैट पहली दो ऑप्शन जो आपको दिख रही हैं इनके बारे में तो हम सोचेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी का कुछ रिलेशन देख एक बड़ा एक छोटा है, है. जबकि वो दोनों क्या है आपस में सेम है तो इट मीन्स दैट थ्री और फोर में हमें ऑप्शन को अपने तलाश करना है तो स्टूडेंट्स वैसे ये सवाल बिल्कुल क्लियर कट है आप इसे देखते ही सॉल्व कर सकते हैं एज यू ऑल नो दैट कि जो थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन या डेल्टा डब्ल्यू तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ पी डायग्राम को तो पी डायग्राम में मैं हम जानते हैं कि पी डायग्राम का जो एरिया होता है उससे हम वर्क निकाल लेते हैं तो मैं पहले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर ए प्रोसेस के दौरान जो वर्क होगा ये वर्क रहेगा और अगर इसी डायग्राम से देखा जाए तो ये हमारा बी प्रोसेस है तो बी प्रोसेस का जो वर्क होगा ये बी प्रोसेस का वर्क है तो क्लियर कट दिख रहा है कि ए प्रोसेस को करने के लिए डेफिनेटली ए प्रोसेस में ज़्यादा वर्क परफॉर्म हुआ है सो इट मीन्स दैट जो थर्मोडाइनमिक्स कह रहा है डेल्टा क्यू ए मैं पहले प्रोसेस के लिए लिखूँगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ए एंड दूसरे प्रोसेस के लिए लिखूँगा डेल्टा क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बी स्टूडेंट्स मैंने डेल्टा यू डेल्टा यू इसलिए लिखा क्योंकि दोनों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनेट जो है वो सेम है और यहाँ हमें पी वी ग्राफ के एरिया से क्लियर कट पता चल रहा है दिख रहा है कि वर्क ए जो है वो वर्क बी से ज़्यादा है बिकॉज प्रोसेस बी में एरिया कम है और प्रोसेस ए में एरिया ज्यादा है सो so, वर्क ए इज ग्रेटर देन वर्क बी इट मीन्स डैट जो डेल्टा क्यू ए रहा होगा जो है वहाँ यहाँ पर वो डेल्टा क्यू बी से ग्रेटर है बिकॉज लाइक दिस डब्ल्यू ए इज ग्रेटर ये तभी ग्रेटर हो पाएगा जब सिस्टम ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और इट मीन्स दैट डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी सो जो हीट एब्जॉर्ब है वो ए प्रोसेस के दौरान ज़्यादा है बिकॉज यहाँ वर्क ज़्यादा है और डेल्टा यू डेल्टा यू दोनों के सेम है इट मीन्स दैट जो सही ऑप्शन बन रहा है हमारा वो बन रहा है ऑप्शन सी देयर डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन आप ऐसे भी देख सकते हैं चौथा ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो ठीक है डेल्टा यू ए डेल्टा यू पी तो दोनों का सेम दिया है जो कि है लेकिन अगर आप यहाँ देखें दोनों केसेस में ये हीट एब्जॉर्ब को सेम बता रहा है तो हीट एब्जॉर्ब अगर सेम होते तो वर्क भी सेम होने थे लेकिन दोनों ग्राफ को आप देख सकते हैं एरिया डिफरेंट है तो वर्क डिफरेंट है यानी कि ये ऑप्शन भी क्लियर कट आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो सो तीसरा जो है सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है विद दैट थैंक यू वेरी मच